अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ गोज़ ऑन पे जो है आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ भिंडी और प्याज की। है तो वो सिंपल सी रेसिपी, लेकिन इसमें छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हो सकते हैं कि आपके कुछ काम आए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे आप आते रहें। बाकी चलिए रेसिपी की तरफ। जी। यहाँ हम आ गए अपने किचन में। यहाँ है 4 अदद हमारे पास प्याज पड़े हुए हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 डाल दें। 2 अदद जो हैं वो टमाटर हैं, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ लहसुन। बहुत कम लोग डालते हैं लहसुन। यहाँ आगे मैंने जो है अपनी भिंडियाँ ऊपर रखी हुई हैं फ्राई होने के लिए। इनको इतना करने के बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, इनको जस्ट थोड़ा फ्राई करना है। बाकी इसके बाद ये मैंने सारी चीज़ें जो इसमें डाल के इसको लाइट ब्राउन करना है। और फिर जो है अभी मैं इसमें जो है रेड चिली फ्लेक्स वाली वो डालूँगी 1/2 चम्मच। और आगे जो है उसमें इसमें बहुत अहम है जो धनिया है, सूखा धनिया, ये आपने 1/2 चम्मच ये भी डालनी है। और फिर उसके बाद जो है वो आप नमक अपनी हसबे ज़रूरत के हिसाब से आप डालें, लेकिन इसमें लाइट ही नमक ज़्यादा मतलब टेस्ट देता है जो इस रेसिपी में। बाकी जो है इसमें मैं 1/2 से छोटी जो है काली मिर्च डाल रही, छोटी चम्मच जो है, चम्मच मैंने बड़ा ही पकड़ा हुआ था वैसे, लेकिन चलें। अच्छा जी, यहाँ हल्दी बहुत इसमें बाद कलर ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं जो है इस हंडिया में जो है ना वो लाइट कलर पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं हल्दी 1/2 चम्मच डालूँगी। और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह हम जो है ना लाइट ये वाली रेसिपी पे आप बहुत ज़्यादा जो है इसको ब्राउन और वो चीज़ें इसमें जो प्याज भी हैं वो भी आप लाइट ब्राउन करें, जस्ट थोड़ा सा जो है इनमें इस रेसिपी में जो है ना वो थोड़ा पूरा पूरा प्याज और शो होता हुआ अच्छा लगता है। इसमें एक मैंने एक्स्ट्रा चीज़ है, ये मतलब बड़ा अच्छा टेस्ट देती है, अगर आपको भी अच्छा लगे ये आप लें। ये चाइनीज़ स्टफ़ में थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा एक आपके लिए ये पाउडर मतलब जो होता है। उसके बाद इसको थोड़ी देर जो है मैं ऐसे थोड़ी देर एटलीस्ट 3 से 4 मिनट जो है ना वो भूनूंगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। और लेकिन इतने टाइम में इस पे एक और ना चीज़ जो है वो 2-3 ड्रॉप्स जो है ना वो अक्सर मैं किसी भी हंडिया में ना जो सिरके के ज़रूर डालती होती हूँ, जिसमें वो जो थोड़ी सी स्मेल होती है ना वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं सारी। तो इसलिए इसमें ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, सारी चीज़ें हमारी। इसमें एक चीज़ मैं भूल गई थी, वो थी अजवाइन। मैंने वैसे डाली हुई थी, इधर नहीं है लेकिन वो मैंने डाली हुई थी। उसके बाद मैंने इसमें भिंडियाँ जो है वो डाल दी हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर जो है ना 5 से 6 मिनट जो है ना वो हमने इसको वो उस पर रख देना है, जो है ना दम पे रख देना है। 5 भी मिनट नहीं, आप 2 मिनट लगा लें इस पर। आपको लाइट सी वो जो है ना उस पर आपने दम पे रख लेना है। तो बस जी, उसके बाद जो है हमारी जो है रेसिपी यहाँ तैयार है। देखें इतना अच्छा कलर आ रहा है इस पे। बाकी मैंने अपनी चाय भी बना ली है। खैर ये देखें, ये बहुत कमाल का जो है ना आप कलर देखें, बिल्कुल इसका बहुत लाइट सा इस ये मतलब बहुत कुछ भून के ब्लैक ब्लैक सी कर लेते हैं। यहाँ ये सारी चीज़ें आपको प्रोमिनेंट हो रही हैं। इस रेसिपी में यही चीज़ है कि इसमें जो मेन है ना वो आपको नहीं वो यहाँ तो ये गरम मसाला में ऊपर लाइट सा बाद हंडिया के ऊपर रखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा पसंद जो है ना इसके ऊपर करती हूँ। जब आप डिश पे डाल के सारा कुछ तो आप कर लें तो फिर वो ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। बाकी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप ट्राई करें। बाकी ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं इसमें, जो लहसुन है वो चीज़, और इसमें मेन जो चीज़ें मैं आपको दो पहले स्टार्ट में बोली थी वो चीज़ें थी लहसुन और अजवाइन, जिससे जो आपकी मतलब सम टाइम कहते हैं ना भड़े कि वो चीज़ें ये कईयों को अच्छी नहीं सूट नहीं करती, तो बस वो आपके खाने के और आपको हजम होने में बड़ी सूट होती है। लुक देखें।